हे गाइस, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम देखेंगे मिनरल एंड कॉस्मेटिक्स आउटलाइन। व्हाट मिनरल्स आर फाउंड इन कॉस्मेटिक्स, हाउ एंड व्हाई अ वैरायटी ऑफ मिनरल आर यूज्ड इन मेकअप, वेयर डू दिस मिनरल कम फ्रॉम एंड एट लास्ट व्हाट आर देयर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है नवीन शुक्ला 299@gmail.com। आपके लिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वर्ल्ड यंगेस्ट बिलीनियर्स इन फोर्ब्स बिलीनियर लिस्ट एंड इज द ऑनर ऑफ विच कंपनी। लेट्स स्टार्ट। आज से एक डिकेड पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्मेटिक्स के नाम पे कुछ ही चीज़ें रहती थी, जैसे कि टेलकम पाउडर, काजल, लिपस्टिक और एकाध कोई नॉर्मल सी क्रीम। बट आज हमारे पास ढेर सारी कॉस्मेटिक्स उपलब्ध हैं, वो भी वेरियस कंपनियों की। कमिंग टू द टैल्क, इसके प्लेटी क्रिस्टल हैबिट के कारण हम इसे यूज़ करते हैं। इसके प्लेट्स स्मूथली ग्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी मेकअप को अप्लाई करने में आसानी होती है। यह रेसिस्टेंट है एसिड का, बेस का, हीट का और साथ ही साथ वाटर को भी रिपेल करने की कोशिश करता है। इसका यूज़ हम आई शेडो के रूप में करते हैं और उसके साथ साथ ब्लशेस, फिलर्स इन सम डिओडेंट्स एंड लोशंस एंड कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। माइका, किसी भी प्रोडक्ट को लश्कर प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। यह रेसिस्टेंट है यूवी लाइट का, हीट का एंड केमिकल अटैक्स का। जब भी माइका को कोट किया जाता है आयरन ऑक्साइड के साथ तो माइका के जो फ्लैक्स हैं वो सोने जैसे चमकते हैं। माइका को वाइडली यूज़ किया जाता है आई शेडो पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हाइलाइटर, फेस हाइलाइटर जैसे कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए। स्टेबनाइट, जिसे काजल भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यह आँखों को कूल रखता है, साफ रखता है और देखने की क्षमता को भी ठीक करता है। यह वेरियस आई डिजीजेज जैसे कि कैटरक्ट को भी प्रिवेंट करता है। काजल को बुरी नज़र से भी बचने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, केओलिन, यह एक क्ले मिनरल है, पॉपुलरली मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, यह ऑयल को रेसिस्ट करता है। और भी वेरियस मिनरल जिसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एक ऐसा कलर मिनरल है जो कि मेकअप में रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक टोन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली हम इसका यूज़ आई शेडो पाउडर, ब्लशेज, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अदर कलर मिनरल्स आर क्रोमियम ऑक्साइड फॉर ग्रीन, मैगनीज फॉर पर्पल एक्सेट्रा। इवन गोल्ड को भी पास्ट में यूज़ किया जाता था एज ए कलर मिनरल। इजिप्शियन गोल्ड को अपने स्किन एंड हेयर को कलर करने के लिए यूज़ करते थे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मेकअप के कलर को ब्राइटन एंड इंटेंसीफाई करने के लिए हम टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड स्किन को वाइटनेस एंड ओपेक्सिटी देता है। यह नेचुरल सन ब्लॉक है, इसकी वजह से इसे सनस्क्रीन के रूप में यूज़ किया जाता है। टैल्क के जैसे आयरन ऑक्साइड, गोल्ड, टाइटेनियम ऑक्साइड को भी हम सैकड़ों सालों से यूज करते आ रहे हैं। आई शेडो, ब्लशेस, लोशन, लिपस्टिक्स एंड पाउडर में भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं। नाउ वेयर डू दीज मिनरल कम फ्रॉम, मोस्टली हम उन कंट्रीज की बात करेंगे जहां ये मिनरल्स अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। टैल्क यूएसए एंड इंडिया, माइका इंडिया, केओलिन यूएसए, चाइना एंड इंडिया, आयरन ऑक्साइड ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड चाइना, स्टेबनाइट चाइना। नाउ व्हाट आर देयर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स, टैल्क स्किन एलर्जीज सच एज पैचेस, अनइवन स्किन टोन्स, माइका रेडनेस इन द कलर ऑफ द स्किन, इरिटेशंस, केओलिन इचिंग, आयरन ऑक्साइड लॉन्ग लास्टिंग स्किन डिसकलरेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड माइल्ड इरिटेशन, फ्रिकल्स, स्टेबनाइट इरिटेशंस। Coming to the answer of the questions which I had asked at the starting of the video, that world's youngest billionaires in the Forbes billionaires list and is the owner of which company? Iska answer hai Kylie Jenner and wo
कायली कॉस्मेटिक्स की मालकिन है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।